नमस्कार, रिचा रियल वेजेस में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंच फ्राई बनाने जा रही हूँ। फ्रेंच फ्राई बच्चों को बहुत पसंद आता है। चलिए फ्रेंच फ्राई बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं। अब इनको हम पहले काट लेते हैं, छील के हमने रख लिए हैं। काटना शुरू करना है। पहले इस चिप्स की तरह काट लेंगे। अब इनको इस तरह से काट लेंगे। आलू हमने काट लिए हैं, अब आलू को हम धो लेंगे। पहले हम पानी डाल के इनको धो लेंगे, अच्छे से माड़ी निकाल लेंगे। अब हमने ठंडा पानी लिया है, ठंडे पानी में इसमें 5 मिनट के लिए डाल देंगे। गैस में हमने कढ़ाई रख ली है, ऑयल डाल के गरम कर रहे हैं। तब हम आलू तैयार कर लेते हैं। एक परात ले ली हमने, इसमें 1 चम्मच मैदा डाली, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 स्वादानुसार नमक। इन सबको पहले मिला लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल सा बना लेंगे। ये घोल हमने बना लिया है। अब इसमें हम आलू डालना शुरू करते हैं।
इस तरह से बना लिया पूरा। अब एक एक करके हम ये कढ़ाई में डालते जाएंगे, एक एक करके कढ़ाई में डालते जा रहे हैं। अभी इसे तेज आंच पे सेकेंगे, थोड़े से ये कुरकुरे हो जाएंगे तब उनको सिम पे कर देंगे गैस पे। इस तरह हम और भी सेक लेंगे। अब इनको चलाते जाएंगे, आपस में चुपके नहीं इस तरह से। ये कितने झटपट बन जाते हैं, मैं जरा भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में बनके तैयार। अपना मन मुताबिक मसाला डालना है इसमें, हमारे बच्चों को चाट मसाला पसंद है, चाट मसाला डाल लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंच फ्राई बनके तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए जरूर ट्राई कीजिएगा।